अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 11:15 हो रहे, और अभी मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने जा रही थी। तो मैं सोची आप लोगों के साथ मैं अपनी दाल की रेसिपी शेयर करूं। ज्यादा कुछ नहीं, दाल और रोटी बना रही हूँ, और चावल तो नहीं बनाती हूँ, कभी कभार चावल बनाती हूँ, नहीं तो आज सिर्फ दाल और रोटी बना रही हूँ। तो मैं अभी ये टाइम पे आज व्लॉग स्टार्ट करी, वरना मैं दो व्लॉग जो डाली मैं दोपहर के बाद ही स्टार्ट करी थी, पर मैं आज 11:15 स्टार्ट करी। जैसे कि आप देख सकते हैं, किचन में आ गई हूँ अभी। अभी दाल की तैयारी करके मैंने पहले से रखी हूँ। अभी मैं लहसुन कूट रही हूँ। मैं अक्सर दाल बनाने के टाइम पे ऐसी इसी तरह से लहसुन कूटती हूँ। मुझे वो अदरक लहसुन की पेस्ट पसंद नहीं आती है, तो मैं इसी तरह से अपना लहसुन कूटती हूँ और फिर ऐसे तड़का दे देती हूँ। कुकर में 4 बड़े चम्मच मैंने तेल गरम करी, उसमें मैंने राई ज़ीरा डाल के उसका तड़का दे रही हूँ। अभी मैं उसमें हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, लाल सूखी मिर्च और ये लहसुन कूटा हुआ वो उसमें मैं ऐड करूँगी। जब ये अच्छे से चढ़कने लगेगा तो उसके बाद फिर मैं दाल ऐड करूँगी। ये अच्छे से चढ़क रहा है, इसके बाद मैं इसके अंदर फिर अपने में दाल ऐड करूँगी। अभी मैं उसमें दाल ऐड करूँगी। देखो, अगर अब जब मैं अभी दाल डालूँगी तो कैसी एकदम धुआँ आएगा। मैं थोड़ी थोड़ी करके दाल ऐड करती हूँ, कभी भी 2 या 3 बार करती हूँ, पर मैं अभी इस टाइम मैंने 2 बार ही ऐड करी। जब इसमें अच्छे से जोश आ जाएगा तब मैं उसके अंदर धनिया पत्ती ऐड करूँगी। और दाल बहुत माशाल्लाह अच्छी बनी थी, तो आप भी बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि दाल कैसी बनी थी। तो आ गई मैं रिटर्न सुबह में व्लॉग स्टार्ट करने के बाद। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी शाम के 7:15 हो रहे, तो सोची थोड़ा सा अभी तैयार हो जाओ और आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि आज मैं आपको बोली थी सुबह में कि मैं कहीं बाहर जाऊंगी, कुछ मार्केट में शॉपिंग करने, कुछ शॉपिंग वगैरह करने, पर नहीं जा सकी क्योंकि सुबह से ही मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी, मुझे लग रही थी। फिर भी मैं बोली थी आपको कि मैं जाऊंगी, पर मैं नहीं गई। देखूंगी अगर इंशाल्लाह जब जाऊंगी ना तो आप लोगों को तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी अपने साथ। और अभी तो शाम हो रही है, तो वही अभी मैं जो कल मैंने कपड़े धोई थी ना, तो अभी मैं निकाल के लेके आई। अभी मतलब हो गए 6 बजे के लगभग मैं निकाल के लेकर आ गई। फिर सोची उसकी घड़ी बना दूँ, उसकी घड़ी करके रखते हुए। देखो ये देखो, इधर ही सब फैले, पूरे पलंग पे कपड़े फैले। देखो देखो, ठीक है, पूरे पलंग पे कपड़े फैल के रखे हुए मैंने, क्योंकि अभी उसकी घड़ी डाल के रख दूंगी। फिर मैं सोची जब तक मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, आप लोगों से बात करूँ, फिर उसके बाद कपड़े घड़ी डाल के रखूँगी, उसके बाद फिर मेरे को क्या करना है, हाँ प्रेस करनी है, उनके कपड़े पे मैं प्रेस करूँगी। और ये देख सकते हैं कि मेरे मुँह पे कितना सारा पसीना आ रहा है, कुछ भी नहीं है। बोलते ना पाउडर लगाई, पूरी की पूरी मिट गई पाउडर, कुछ भी नहीं है एकदम। देखो पूरा पसीने से एकदम 5 मिनट के अंदर अंदर यह हाल हो जाता है। हाँ तो फिर मैं कहा थी, हाँ फिर मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मुझे उन्होंने बोले दोपहर में फ़ोन करके कि बाबू वो बना दे, अपना दाल वड़ा बना दे। तो फिर मैंने दोपहर में 2:30 बजे के करीब, सोचो मैंने दाल भिगाने के लिए रखी, तो अभी 7 बजेंगे, कुछ टाइम बाकी है 7 बजने के लिए। तो फिर मैं सोची 7 बजे तक मेरा हो जाएगा, कपड़े भी थोड़े से ये वो घड़ी कर दूँगी और उसके बाद फिर इस्त्री करूँगी, और फिर इस्त्री प्रेस करने के बाद फिर दाल वड़ा बनाऊँगी। और फिर मैं दाल वड़े की पूरा जो भी लगता है उसमें, जैसे कांदा, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, मतलब कोथमीर भी बोलते हैं उसको, धनिया पत्ती, और वही थोड़ी सी हल्दी, नमक, ये सब डाल के ये सब हो जाएगा ना, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मतलब मैं कैसा करती हूँ। ये सब पहले मैं काट के लूँगी, कांदा वगैरह ये सब मैं काट के रखूँगी, उसके बाद मैं फिर जब दाल वड़े बनाऊँगी ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे दाल वड़े बनाती हूँ। फिर देखिएगा जब तक दाल वड़े बनते हैं तब तक तो वो आ ही जाएंगे,
हो जाता है उनका टाइम फिर आने का, लगभग 8 बजे, 8 सवा 8 बजे के करीब आ जाते हैं। तो इसलिए फिर 7 सवा 7 बजे अगर मैं स्टार्ट कर भी दी तो आराम से मेरा हो जाएगा 15 20 20 25 मिनट समझ के चलो मैक्सिमम, इतने देर में मेरा हो जाएगा। ठीक है फिर चलो, फिर अभी मैं कपड़े घड़ी कर लेती हूँ पहले, फिर इस्त्री करती हूँ, उसके बाद फिर दाल वड़ा बनाती हूँ। ठीक है जब भी अपन मिलेंगे। अभी मेरी दाल वड़े की तैयारी चालू है। मैंने दाल को ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके ली और उसके बाद मैं उसमें बारीक 3 ऑनियन डाली बारीक चॉप करके, और उसके बाद फिर मैं हरी मिर्च डाली। अब मैं हरी मिर्च ऐसा क्यों डाली पता है? क्योंकि हरी मिर्ची इतनी तेज़ है, इतनी तीखी है वो मिर्ची, क्या हाथ पूरे जल रहे थे मेरे काटने के टाइम पे। फिर मैंने इसमें कड़ी पत्ता बारीक बारीक काट के ऐड करी, कड़ी पत्ता भी और कोथमीर भी अच्छे से बारीक बारीक कट करके मैंने कट करी और उसमें ऐड करी। अभी मैं इसमें जैसे हल्दी, ये सॉरी नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद हल्दी डालूँगी। हल्दी डालने के बाद मैं बेकिंग सोडा भी डालूँगी थोड़ा सा थोड़ा सा, जैसे कि वो वड़े फुल हो जाए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, एकदम थोड़ा सा। फिर इसमें बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद फिर मैं उसको अच्छे से फेटूंगी। जितना अच्छे से फेटोगे तब तक मैंने दूसरी गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है, उसके अंदर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। मैं सोची जब तक मैं इसको फेटू तब तक वो मेरा तेल भी गर्म हो जाएगा। देखो मैं कितना अच्छे से उसको हाथ से अच्छे से फेट रही। और मैंने इसमें जब मैं पीस रही थी ना, मैंने इसमें एक भी बूंद पानी ऐड नहीं किया है। वो दाल को ऐसी 4 4 5 घंटे मैंने भिगा के रखी थी और उसको एकदम अच्छे से एकदम मैंने पीस ली, और उसमें एक भी ऐसा मतलब दाल नहीं अक्खी अक्खी रही। मैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अक्खी दाल उसमें रह जाती है, पर ऐसा नहीं हुआ कि मेरी एक भी दाल ऐसी अक्खी नहीं रही। और मैं उसको एकदम अच्छे से फेट रही ताकि वो जो भी मसाला मैंने उसमें ऐड करी हो ना वो अच्छे से मिल जाए। ठीक है तो फिर ऐसा है, अभी मैंने उसको हाथ पे ली और छोटे छोटे राउंड शेप करके उसको मैं तेल में डिप कर दी। ऐसे ही मैं इसी तरह से करती हूँ। और पहले ना कभी कभी मेरे हाथ में ना चिपक भी जाता था, पर अभी ना नहीं चिपकता है। थोड़ा हल्का सा तेल का हाथ लगा लेने का और फिर वैसे फ्राई कर देने का। और अभी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक का मैं उसको फ्राई करूँगी। मैं इधर उधर ऐसा देख रही हूँ ताकि उनका अभी आने का टाइम हुआ है, तो मैं ये सोची कि कभी लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि वो जैसे आएगी वैसे ही मैं उनको दे दूँ चाय बना के खाने के लिए। देखो, और इतना डालने के टाइम पे इतना तेल हाथ पे उड़ रहा था ना, तो मुझे बहुत डर लगता है तेल से। मुझे क्या, हर किसी को तेल से डर लगता है। और मैं थोड़ा थोड़ा मेरे हाथ से ना छूट भी रहा था, कहीं कहीं ऐसा जैसे एकदम राउंड शेप नहीं बन रहा था, टूट रहा था। तो उस वैसे ही मैं उसको संभाल संभाल के कर रही थी। और अच्छा लगता है ये ऐसे सब कभी कभार, क्योंकि हम लोग बाहर का कुछ ज़्यादा खाते भी नहीं है। जो भी बनाती हूँ मैं घर पे ही बना के खाती हूँ, बाहर का हम लोग ज़्यादा खाते भी नहीं। इसलिए जो भी मन करता है हम लोग घर पे ही बनाते और घर पे ही बना के खाते, वो अच्छा ही भी रहता है ना, और अपन सफाई से भी उसको बनाते हैं। देखो बना के रेडी हो गया, माशाल्लाह इतने अच्छे वड़े बन गए थे ना। और मैंने चाय भी बनाई और साथ में टमाटो केचप भी है उसके साथ। यहाँ पे हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे और वही मैं उनसे बात कर रही थी कि कैसे हुआ करके बताओ, तो उनका कैसे, हस्बैंड लोग का रिएक्ट कैसे होता है, हाँ हो इस तरीके का। हम लोग इतना प्यार से बनाते फिर भी हम लोग ऐसा इतना प्यार से नहीं बोलते कि हाँ बाबा बहुत अच्छा बना है, ऐसा नहीं, बहुत कमी से तारीफ करते हैं हस्बैंड लोग। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को फ़ोन लगा रही थी क्योंकि मेरी मम्मी को भी बहुत दाल वड़े पसंद थे। मम्मी को बोली थी किसी को तो भेजना
तो अभी मेरी बहन आने वाली थी दाल वड़े लेने के लिए, और वो अभी आ चुकी है। और ये उसके साथ बाजू वाली बेबी आई है, और मैं उसको बोल रही थी हाय बोल हाय, क्योंकि उसको वीडियो का इतना शौक है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको भी कैप्चर कर ली, तो उसको मैं बोली सलाम कर सलाम, फिर भी वो शर्मा रही थी कैमरा की तरफ देख के।